ठीक है, आलोक द्विवेदी जी, इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारी अटकलें आई, उस समय जब अखिलेश यादव यानी सपा के पास 5 लोक विधायक कह लीजिए कि सांसद थे, उस वक्त भी नेगोशिएशन में अखिलेश यादव झुकने को तैयार नहीं थे, कांग्रेस पार्टी को ही झुकना पड़ा। अब आपको क्या लगता है, जब यहां पर सपा एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी है लोकसभा के चुनाव में, तो क्या आपको लगता है कि क्या यूपी में सपा स्पेस देगी कांग्रेस को, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस समाज पार्टी तो 5 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, और कांग्रेस नहीं जीती तो मोटा मोटा आंकड़ा उठा के देंगे तो इसका मतलब कहीं 80% सीटें जो है वो 80 में से परसों निकाले तो हम समझते 80% अखिलेश ज्यादा थे कांग्रेस के मुकाबले। तो वही बागी इस बार भी कर रहे थे वो। हिमांशु जी अशोक जी एक बात वो अच्छी तरह समझते हैं कि पानी का बहाव नदी में बहुत तेज है, अगर हाथ पकड़े रहेंगे तो हम पार हो जाएंगे धीरे करके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये लोग राम मंदिर दर्शन करने गए थे भगवान श्री राम का, तो इनकी 4 सीटें उत्तर प्रदेश में और आई होती तो भगवान राम के चरण में जाएंगे तो आपको सीट बढ़ जाएगी, और आप लोग कहिए कि भारी बढ़ जाएंगे वहां पर, वो इसको राजनीतिक विध्वंस मत बनाइए। भगवान राम का जितने मंदिर बना वहां पर सबको जाना चाहिए, सबके भगवान है, किसी भाजपा के नहीं, सबके हैं। और रही बात अखिलेश की, तो अखिलेश का संगठन जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले मुझे तक कहीं को 90 गुना या 95 गुना ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस कार्यकर्ता आपको इसमें ढूंढने पर भी शायद ना मिले, हालत ये हो गई है। जहां जहां इनके एमपी जीत गए हैं वहां पर कार्यकर्ता इसमें थोड़ा एक्टिव जरूर हुए होंगे, बाकी जगह आप चले जाएंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता आपको जमीन पर नहीं दिखेंगे। आपको कांग्रेस संगठन जमीनी स्तर में बहुत ही कमजोर है, और ये बात कांग्रेस के बड़े नेता है जो राज्यसभा सांसद भी उत्तर सांसद है कहीं और सांसद, ये बात उन्होंने भी कबूल की थी। मैं जब इस चुनाव में अफजाल अंसारी जी की हमारी टीम लगी थी गाजीपुर, हमारी टीम काम कर रही थी, काम कर रहे थे वहां पर, अफजाल जी ने एक बात बोली थी कि आसपास जितनी सीटें थी बनारस की सारी भाजपा हार रही है, तो उससे मुझे लगता था कि भाई चूंकि ये समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तो चाहेंगी भाई भाजपा सभी आ जाए, सभी समाजवादी पार्टी जीत जाए। एक उन्होंने वर्ड भी यूज करता है कि गंगा पुत्र अपनी सीट हार सकते हैं, वो उन्होंने बोला था कि हार सकते हैं लेकिन बात अलग है, लेकिन हाँ 1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री जीते हैं तो भी बहुत मार्जिन कम रहा है। और जब वो बोल रहे थे तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है इतनी सीटें समाजवादी पार्टी की नहीं आई, किसी को उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा सपा उम्मीदवार से अफजाल जी बोल रहे ऐसी बातें, पर जो हुआ था वो मुझे कहा था।